आज हम बनाने जा रहे हैं परफेक्ट पूरी। उसके लिए हमने आटा गूंथ लिए हैं। देखिए हमें ज़्यादा आटा गीला भी नहीं करना है और ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है। देखिए ऐसा कम पानी ऐड करना है हमें। देखिए परफेक्ट आटा सानना पड़ेगा उसके लिए। परफेक्ट पूरी बनाने के लिए हमें परफेक्ट आटा भी सानना पड़ेगा। देखिए अब हम कढ़ाई को गर्म कर लिए हैं। हमारी लोहे की कढ़ाई है, उसमें हम तेल भी ऐड कर लिए। देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है। तेल को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है, उसमें आटा हम ऐसे थोड़ा सा टुकड़ा कर कढ़ाएंगे। देखिए जब वो ऊपर आ जाएगा तो हमारा तेल गर्म हो चुका है। इसको हम बाहर, अब हम पूड़ी बेलना स्टार्ट करेंगे। देखिए हमें पूड़ी के लिए इतना ही आटा लेना है। ऐसे हम गोल बना लेंगे इसका, ज़्यादा बड़ा नहीं देना है। इस पर हमने ऑयल लगाए हैं, अब इसको हम बेल लेंगे। अब इसको हम तेल में डालेंगे। हम लोहे की कढ़ाई में तल रहे हैं। देखिए हमारी पूड़ी कितनी अच्छी बन गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे। देखिए हमारी पूड़ी, देखिए दूसरे साइड में ऐसी बन गई। ऐसे हमने दूसरी पूड़ी को भी बेल लिए हैं। अब देखिए इसको हम तेल में ऐड करेंगे। हल्के हाथों से हमें ऐसे करना है। देखिए हमारी पूड़ी कितनी खिल रही है। अब इसको हम तल देंगे। ज्यादा मोटी पूड़ी नहीं बनाना है, हल्का पतला ही। इसको निकाल देंगे। इसको हम एक पेपर रख लिए नीचे, एक्स्ट्रा ऑयल सोख लेंगे। देखिए हमारी पूड़ी कितनी रेड रेड दिख रही है। ऐसी हम तीसरी भी पूड़ी निकाल लेंगे। आटा हमें अच्छे से सानना पड़ेगा। मैदा मिलाने कोई जरूरत नहीं है इसमें और कोई सोडा भी नहीं। ऐसी ही हमारी पूड़ी देखिए कितनी अच्छी बन रही है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमें नहीं इसे तलना है क्योंकि लोहे की कढ़ाई बहुत देर तक गर्म रहती है। इसको छोले के साथ हम खाना बहुत पसंद करते हैं। पूरी हलवा भी खाया जाता है एक साथ। और पूरी सब्जी की तो बात ही अलग है। देखिए ऐसे कितनी परफेक्ट खिली है। देखिए हमारी, देखिए पूरी फूट भी नहीं रही है जल्दी। देखिए इसको ऑयल के साथ ही हमें बेलना है। पूरी को सूखा आटा ऐड नहीं करना है। देखिए ऐसे लोई बना के इसको हम तेल के साथ ऐसे टैप करेंगे। ज़्यादा मोटी भी नहीं बेलना है, ज़्यादा पतली भी नहीं। देखिए हमारी पूड़ी ज़्यादा मोटी नहीं है और ज़्यादा पतली भी नहीं है। अब इसको हम तेल के अंदर ऐड करें। हल्के हाथों से नीचे चलाना है। हमारी पूड़ी कितनी प्यारी सी है, चौकोर दिख रही है हमारी ये पूड़ी। देखिए
जब तेल ऐसा भड़कना कम हो जाए तब हम पूड़ी को निकाल लेंगे। देखिए हमारी पूड़ी हो चुकी है, इसको हम निकाल लेंगे। ऐसे हमें तेल लगाना है, गर्मी भी लगा सकते हैं और ठंडा भी लगा सकते हैं। देखिए इसको मैंने ज्यादा प्रेस की तो फूट गई पूरी, ये देखिए फिर भी हमारी पूरी खिली हुई है। देखिए कैसे पक रही है। अब इसको हम निकाल लेंगे, ऐसे ही हम पूरी पूरी बना लेंगे। हमें ज्यादा बड़ी लोई नहीं लेना है। देखिए इसको हमने हल्का ब्राउन किया है, देखिए अब इसको हम निकाल लेंगे। परफेक्ट पूरी।